हेलो एवरीवन, दिस इज़ रितेश दुबे एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ट्रैफिक कैपेसिटी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट व्हाट इज़ ट्रैफिक कैपेसिटी। तो ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होती है कि अगर हमारा मान लीजिए कोई एक लेन है और उस लेन में एक पर्टिकुलर आर में, जैसे एक घंटे में, एक लेन में एक घंटे में जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स एकोमोलेट हो रहे हैं उस पर्टिकुलर रोडवे पे, जितनी उसकी एबिलिटी होगी उस रोडवे की कि वो उतना ट्रैफिक वॉल्यूम एकोमोडेट कर पाए, वही उस रोडवे की ट्रैफिक कैपेसिटी होगी। राइट, एक बार फिर से आप इसको सुन लीजिए कि अगर एक लेन है, एक पर्टिकुलर लेन में एक आवर में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स उस रोडवे के एकोमोलेट हो जाते हैं, वही उसका ट्रैफिक कैपेसिटी होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई कि इट इज़ द एबिलिटी ऑफ रोडवे टू एकोमोडेट ट्रैफिक वॉल्यूम, राइट, एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई व्हीकल पर आवर पर लेन। राइट, तो ये जो हमारी ट्रैफिक कैपेसिटी है, मतलब अगर कोई एक रोडवे है तो उस पर हमारा कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम अमाउंट में जाके वहाँ पे एकोमोलेट हो सकते हैं, उसकी कैपेसिटी वही हो जाएगी। राइट, अब देखते हैं कि हमारे कितने टाइप होते हैं। तो तीन तरीके की हमारी होती है एक तरीके से ट्रैफिक कैपेसिटी। बेसिक कैपेसिटी, जिसको हम लोग थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी भी बोलते हैं, पॉसिबल कैपेसिटी एंड प्रैक्टिकल कैपेसिटी। राइट, तो जो हमारी बेसिक कैपेसिटी या थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी होती है वो क्या होती है। तो बेसिक कैपेसिटी का मतलब ये हुआ कि वो मैक्सिमम वॉल्यूम जो कि उस रोडवे, वो आपका पूरा मैक्सिमम वॉल्यूम होता है दैट कैन पॉसिबल ऑन रोड इज कॉल्ड ट्रैफिक कैपेसिटी। मतलब जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारे आ रहे हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है वही उसकी ट्रैफिक कैपेसिटी होगी। जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पॉसिबल होंगे उस रोड के, वो उसकी मैक्सिमम ट्रैफिक कैपेसिटी हो जाएगी। लेकिन ये हमारी बिल्कुल मोस्ट आइडल कंडीशन के लिए होता है कि जितना भी नंबर ऑफ व्हीकल है वो पूरी की पूरी उसकी कैपेसिटी हो जाए। राइट, तो ये हमारी एक तरीके से, इसी को हम लोग बोलते हैं थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी, और ये पॉसिबल है खाली मोस्ट आइडल कंडीशन के लिए ही। ठीक है, अब आते हैं हमारा पॉसिबल कैपेसिटी पे। तो पॉसिबल कैपेसिटी के लिए जितने भी, अब ये तो हमने पढ़ा था जो मैक्सिमम वैल्यू कैपेसिटी के लिए, मैक्सिमम कैपेसिटी के लिए होगी जो कि हमारी आइडियल कंडीशन है, तो इतना तो हो ही नहीं पाएगा कि जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो सारे के सारे वो आके उस रोड पे एकोमोलेट हो जाएं और वो बिल्कुल भी कितने भी लार्ज नंबर में हों, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल थ्योरेटिकल होगी हमारी कैपेसिटी, बेसिक कैपेसिटी जिसको बोलते हैं। जब हम पॉसिबल कैपेसिटी के बारे में स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है वो एक्चुअली में पॉसिबल हो पा रहे हैं कि उस रोडवे पे जाके वो एकोमोलेट हो पा रहे हैं। राइट, तो इसके लिए हम लोग दो कंडीशंस को पढ़ते हैं। पहला कंडीशन है हमारे पास, एक वर्स्ट कंडीशन है और एक मोस्ट आइडल कंडीशन है। तो वर्स्ट कंडीशन किसी रोडवे की क्या होगी कि वहाँ पर बिल्कुल भी जो हमारे व्हीकल्स हैं वो आ ही ना पाए, वो बिल्कुल उसकी कैपेसिटी ज़ीरो हो जाए, वही उसकी वर्स्ट कंडीशन होगी कि वो एक भी, उसकी कैपेसिटी एक भी व्हीकल की ना हो, तो वो हमारा वर्स्ट कंडीशन होगा। और आइडियल कंडीशन, मोस्ट आइडियल कंडीशन, तो हमको पता ही है कि मोस्ट आइडियल कंडीशन क्या हुआ कि जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो सारे के सारे आके एकोमोलेट हो जाए और सबके लिए उसकी उस पर स्पेसिंग हो और वो उसकी कैपेसिटी हो जाए। तो मोस्ट आइडल कंडीशन के लिए हमारी जो मोस्ट आइडल कंडीशन होगी वो बराबर होगी हमारी बेसिक कैपेसिटी का, मतलब जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल हैं वो सारे के सारे उसमें आके जमा हो जाएं और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो दो कंडीशन हुआ, वर्स्ट कंडीशन एंड आइडल कंडीशन। तो वर्स्ट कंडीशन में जो हमारी कैपेसिटी बन रही है वो जीरो की बन रही है, जो कि आइडल कंडीशन में हमारी कैपेसिटी हो रही है वो मैक्सिमम वैल्यू की बन रही है, यानी कि वो बेसिक कैपेसिटी के बराबर है। तो पॉसिबल कैपेसिटी क्या होगी, पॉसिबल कैपेसिटी हमारी वर्स्ट और आइडियल, ये दोनों या तो उसके, या तो वर्स्ट के बराबर होगी या फिर उससे कम होगी, आइडियल्स के या तो बराबर होगी या फिर उससे कम होगी, और वर्स्ट के लिए या तो ज़्यादा जीरो होगी या फिर 1, 2, 3, 4 कितने भी नंबर ऑफ व्हीकल आ सकते हैं। तो पॉसिबल कैपेसिटी जो है हमारी वो जीरो से लेके बेसिक कैपेसिटी के बीच में वेरी करती है। राइट, या तो जीरो होगी या फिर जितने भी 1, 2, 3, 4, 10, 1000, 100 जो भी हमारी वैल्यू आएगी पॉसिबल कैपेसिटी, और मैक्सिमम जो हमारी बेसिक कैपेसिटी यानी कि जितनी भी मोस्ट आइडल कंडीशन हमारी होगी, जो जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स आके एकोमोडेट हो रहे हैं वो सारे के सारे उसमें आके समाहित हो जाएं, वो हमारी पॉसिबल कैपेसिटी होगी। राइट, अब हम पढ़ते हैं प्रैक्टिकल कैपेसिटी के बारे में। प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या है, इट इज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल दैट कैन पास ऑन अ गिवन पॉइंट ऑफ रोडवे ड्यूरिंग 1 आवर विदाउट ट्रैफिक डेंसिटी एंड अनरीजनेबल डिले। तो प्रैक्टिकल कैपेसिटी क्या है, वो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल जो कि किसी भी एक पॉइंट ऑफ रोड, कोई भी एक रोडवे का पॉइंट ले ले, वहाँ से पास कर रहे हैं 1 आवर में, 1 घंटे में,
विदाउट एनी ट्रैफिक डेंसिटी, कोई ट्रैफिक डेंसिटी नहीं है, कोई भी अनरीजनेबल डिले नहीं है, और उस दौरान जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास करते हैं वही उसकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो जाती है, राइट? कोई डिले नहीं, कोई ट्रैफिक डेंसिटी नहीं हमारी किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, रोडवे के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल पास करेंगे वो उसकी प्रैक्टिकल कैपेसिटी हो गई, ठीक है? फिर आता है हमारा थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। तो थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास सी इज इक्वल टू 1000 V/S, राइट? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमें ध्यान रखना है। सी इज इक्वल टू 1000 V/S, वेयर सी जो है वो हमारा थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी है। यही हमको कैलकुलेट करना होता है जब हमें क्वेश्चन दिया रहता है, तो सी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है। सी इज थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी। यहाँ पे जो वी है वो वी हमारा स्पीड है, और स्पीड जो है वो हमें किलोमीटर पर आवर में दिया रहेगा। एस जो है वो स्पेसिंग है, तो एस जो ये हमारी स्पेसिंग, या फिर हम लोग इसको बोलते हैं स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे और स्पेसिंग, इसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। तो दो फॉर्मूले हैं हमारे पास, एक में वी की जो वैल्यू है वो मीटर पर सेकेंड में रखी गई है, जबकि दूसरे में जो वी की वैल्यू है वो किलोमीटर पर आवर में रखी गई है। तो एस बराबर 0.7 V + L एंड एस बराबर 0.2 V + L, राइट? तो यहाँ पे जो वी की वैल्यू है 0.7 में, वो वी जो है वो मीटर पर सेकेंड में है, जबकि यहाँ पे जो वैल्यू रखी है कैपिटल वी की वो किलोमीटर पर आवर में है। ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सी इज इक्वल टू 1000 V/S, हमें वी की वैल्यू अगर हम KMPH में रख रहे हैं तो यहाँ पे वी की वैल्यू हम लोग KMPH में रख देंगे, एस स्पेसिंग की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालेंगे। एल जो है वो हमारा जो लेंथ ऑफ व्हीकल्स होते हैं, वो लेंथ ऑफ व्हीकल हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा, मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल, तो वो हम लोग वैल्यू, या फिर नहीं भी दिया रहता है तो 6 मीटर हम लोग मान के चलते हैं, राइट? तो हम लोग क्या है कि यहाँ से हम लोग थ्रेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पर क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द थ्रेटिकल कैपेसिटी ऑफ अ ट्रैफिक विद वन वे ट्रैफिक एट अ स्पीड ऑफ 40 KMPH, एज्यूम द एवरेज स्पीड गैप बिटवीन द व्हीकल, लेंथ ऑफ व्हीकल इज 5 मीटर। यहाँ पे देखिए हमको जो बेसिक चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि 40 KMH हमें स्पीड दे रखा है और लेंथ ऑफ व्हीकल जो है हमारे 5 मीटर के दे रखे हैं। तो सबसे पहले एल की वैल्यू हमें 5 मीटर दे रखी है, हम स्पेसिंग या फिर स्पेस हेडवे निकालते हैं। स्पेस हेडवे निकालने के लिए हमने फॉर्मूले का यूज़ किया है, फॉर्मूला है हमारा 0.2 V + L, राइट? 0.2 V + L, तो हमारा जो 0.2 V + L है, यहाँ पे हमने जो V है वो सीधे KMPH में रखा है, जो कि हमारी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 40, तो हमने यहाँ पे 40 का यूज़ किया, प्लस L बराबर 5 मीटर, ये भी हमें क्वेश्चन में दे रखा है, राइट? तो इससे हमने यहाँ पे जो S की वैल्यू निकाली, वो S की वैल्यू आ गई हमारी 13 मीटर, राइट? अब हमें थ्योरेटिकल मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि कैलकुलेट करनी है, और फॉर्मूला है हमारे पास C इज इक्वल टू 1000 V/S, तो 1000 × V जो है हमारा स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, तो हमने ये 40 रख दिया, और S जो है स्पेसिंग, हमने स्पेस हेडवे अभी जो कैलकुलेट किया 13 वो रख दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई 3076.92। तो अब हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो फ्रैक्शन में तो होगा नहीं क्योंकि व्हीकल है, तो एक घंटे में कितने व्हीकल पास कर रहे हैं, हमने इसको ऑन एन एवरेज ले लिया 3077 व्हीकल पर आवर, राइट? तो ये हमारा थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी हो गया, ठीक है? तो अब हम याद रखेंगे कि जो थियोरेटिकल जो हमारी ट्रैफिक कैपेसिटी होती है, वो ट्रैफिक कैपेसिटी क्या होती है कि एक लेन में एक घंटे में जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल आके एकोमोडेट हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं, उसको हम लोग उस रोडवे की ट्रैफिक कैपेसिटी बोलेंगे। और जो हमारी ट्रैफिक कैपेसिटी होती है तीन तरीके की, वो तीनों तरीका हमने देखा था, बिल्कुल पॉसिबल बेसिक थ्योरेटिकल कैपेसिटी, पॉसिबल और प्रैक्टिकल। तो बेसिक जो होगा, बेसिक वो हमारी मोस्ट आइडियल कंडीशन होती है जिसमें हमारे जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल्स उस रोडवे पे आ रहे हैं वो सारे के सारे आके एकोमोडेट हो जाएं, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, वो सब के सब एकोमोडेट हो जाएं, कोई भी दिक्कत ना हो, तो वो हमारी बेसिक कैपेसिटी हो जाती है या थियोरेटिकल मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाती है। इसी के ऑपोजिट जब हम पॉसिबल देखते हैं, तो पॉसिबल में हमने दो केसेस देखे, एक केस देखा हमने वर्स्ट का और एक केस देखा हमने आइडियल का। तो वर्स्ट कंडीशन तब होगी रोडवे की जब वो जीरो एकोमोडेशन का होगा, और मोस्ट आइडियल कंडीशन होगी अगर वो जितने भी नंबर ऑफ व्हीकल आ रहे हैं वो सारे के सारे एकोमोडेट हो जाएं, तो वो हमारा बराबर हो जाएगा बेसिक कैपेसिटी के। तो इस तरीके से जो हमारा पॉसिबल कैपेसिटी है वो जीरो से लेके बेसिक कैपेसिटी के बीच में रहता है रेंज उसका। फिर हमने प्रैक्टिकल कैपेसिटी पढ़ा, प्रैक्टिकल कैपेसिटी में कोई भी ट्रैफिक डेंसिटी ना हो, कोई भी अनरीजनेबल डिले ना हो, और जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ व्हीकल उस रोडवे के एक पर्टिकुलर पॉइंट को एक घंटे में क्रॉस कर जाते हैं उसको हम लोग प्रैक्टिकल कैपेसिटी बोलते हैं। और फिर हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है C इज इक्वल टू 1000 V/S, राइट?
अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पैसेंजर कार यूनिट पीसीयू, जिससे हम लोग पीसीयू को रिप्रेजेंट पीसीयू से रिप्रेजेंट करते हैं पैसेंजर कार यूनिट। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो हम लोग रोडवे डिज़ाइन करते हैं वो रोडवे हम लोग मिक्स ट्रैफिक के लिए डिज़ाइन करते हैं, राइट। मिक्स ट्रैफिक का मतलब ये हुआ कि उस रोडवे पे कोई भी एक पर्टिकुलर क्लास की व्हीकल नहीं चलेगी, उस पर हर क्लास और हर कैटेगरी के व्हीकल उस पर चलेंगे, राइट। जैसे हमारा टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, फोर व्हीलर है, ठीक है, ट्रक्स हैं, बसेज हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल, साइकिल रिक्शा, बुलक कार्ट, एवरीथिंग। तो सबकी कैपेसिटी एक जैसी नहीं होती है, ना ही सबका माइलेज एक जैसा होता है, राइट। तो जो हमारी पैसेंजर कार यूनिट होती है वो हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग जो रोडवे डिज़ाइन करते हैं वो मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए करते हैं, तो किसी भी एक पर्टिकुलर क्लास के लिए डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले हम सारे जो हमारे व्हीकल्स होंगे, जितने भी उनके क्लास होंगे, उनको हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्जन करते हैं उनका, राइट। तो वो जो स्टैंडर्ड यूनिट में हम लोग कन्वर्जन करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पीसीयू, पैसेंजर कार यूनिट। जितने भी क्लास ऑफ व्हीकल होंगे उनको हम लोग एक स्टैंडर्ड वैल्यू में चेंज करेंगे और उसके बाद उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेशन को करते हैं। तो पैसेंजर कार यूनिट क्या लिखा है, टू कन्वर्ट द मिक्स ट्रैफिक कंडीशन टू अ स्टैंडर्ड व्हीकल यूज टू स्टैंडर्ड व्हीकल यूनिट पीसीयू इज यूज, राइट। तो किसी भी मिक्स ट्रैफिक कंडीशन के लिए जब हम व्हीकल को एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं पूरे सारे क्लास ऑफ व्हीकल को, तो हम लोग पीसीयू का यूज़ करते हैं। तो पीसीयू निकालने का फॉर्मूला क्या है, कैपेसिटी ऑफ रोड व्हेन देयर आर पैसेंजर कार्स ओनली एंड डिवाइडेड बाय कैपेसिटी ऑफ रोड व्हेन देयर आर व्हीकल ऑफ सेम क्लास। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हमें क्लास है, एक तरफ क्लास दिया हुआ है और एक तरफ पैसेंजर कार यूनिट दी हुई है, राइट। तो अब कितने कितने क्लास के व्हीकल्स हमारे पास, जैसे मान लीजिए हमारे पास स्कूटर या मोटरसाइकिल है, तो उसके लिए हम कितना पीसीयू यूज़ करेंगे, 0.5। हमने इसमें हर जितने भी क्लास ऑफ व्हीकल्स हैं उनको पैसेंजर कार यूनिट के टर्म्स में डिफाइन किया हुआ है, उनको उनके कन्वर्जन में लिखा हुआ। तो अगर हमारा स्कूटर और मोटरसाइकिल है तो वो उसको हमने 0.5 के बराबर लिया है। कार, ऑटोमोबाइल या टेम्पो है तो उसको हमने 1 पीसीयू लिखा हुआ है। साइकिल रिक्शा होगा तो 1.5, बस ट्रक और ट्रैक्टर होगा तो 3, हॉर्स ड्रॉन व्हीकल होगा तो 4, स्मॉल बुलेट कार्ड होगा तो 6। तो ये हमने क्या किया, सारे क्लास ऑफ व्हीकल्स को एक पैसेंजर कार यूनिट में कन्वर्ट किया हुआ है, ताकि हम जो मिक्स ट्रैफिक के लिए हम जो डिज़ाइन कर पाएँ वो हम सही से डिज़ाइन कर पाएँ, हर क्लास ऑफ व्हीकल के लिए डिज़ाइन कर पाएँ। तो सारे को डिज़ाइन करने के लिए हमने एक स्टैंडर्ड यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिया है, राइट। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।